नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबर। फिर हेरा फेरी के निर्माता फिरोज नाडियाडवाला को 3 महीने की जेल। मुंबई के अपर मुख्य मेट्रोपॉलिटिकल मजिस्ट्रेट ने मशहूर फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाला को 3 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई। हेरा फेरी और वेलकम समेत कई सुपरहिट फिल्मों के निर्माता को यह सजा उन्हें वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए TDS के रूप में 8,56,00,000 रुपए अदा करने में देरी के लिए सुनाई गई। अदालत ने नाडियाडवाला को आयकर कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत दोषी पाया। नाडियाडवाला के खिलाफ आयकर अधिकारी ने मार्च 2014 में शिकायत दर्ज कराई थी। अधिकारी ने आरोप लगाया कि फिल्म निर्माता ने निर्धारित अवधि के भीतर TDS राशि अदा नहीं करने का वास्तविक कारण नहीं बताया। जया बच्चन का PM मोदी पर हमला, कहा रेप के आरोप में जेल की हवा खा रहे आसाराम बाबू पर बनेगी बायोपिक। इस प्रोड्यूसर ने खरीदे राइट्स। बॉलीवुड में बीते कई दिनों से एक के बाद एक बायोपिक बन रही है। राजनेताओं और खिलाड़ियों के बाद अब रेप के आरोप में जेल की सजा काट रहे आसाराम बाबू पर भी बायोपिक बनाने जा रहे। आसाराम पर फिल्म कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध प्रोड्यूसर सुनील बोहरा बना रहे हैं। सुनील के अब तक करियर की बात करें तो वह अब गैंग ऑफ वासेपुर, तनु, वेट्स मनु, शाहिद और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जैसे फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके हैं। द क्लाउन एंड डाउनफॉल ऑफ आसाराम बापू पर आधारित होगी सुनील ने फिल्म के लिए इसके राइट्स भी खरीद लिए हैं और वह जल्द से जल्द फिल्म का निर्माण शुरू कर देंगे। बेटी आराध्या को लेकर फिर यूजर्स के निशाने पर आई ऐश्वर्या राय, लोगों ने किया जमकर ट्रोल। सोशल मीडिया के जमाने में बॉलीवुड सेलिब्रिटी का ट्रोल होना आम सी बात होती जा रही है, लेकिन ट्रोलर्स अब इन सेलिब्रिटी के बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब हाल ही में अपनी 12वीं मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने मालदीव गए ऐश्वर्या और अभिषेक। हालांकि ऐश और अभिषेक अपनी बेटी आराध्या को भी अपने साथ लेकर गए थे, जिसके बाद कहा गया था कि क्या आपकी बेटी स्कूल नहीं जाती है। अब एक बार फिर से ऐश्वर्या और आराध्या ट्रोलर्स के हाथों चढ़ गए हैं। हाल ही में जब बच्चन परिवार मुंबई में एक रेस्तरां में खाने पर गए थे, तब बाहर निकलते हुए ऐश्वर्या ने आराध्या का हाथ पकड़ा हुआ था, जिस पर ट्रोल किया गया है। फैंस आराध्या का मजाक उड़ा रहे थे और ऐश्वर्या को आड़े हाथों ले रहे थे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।